स्वागत है प्यारे बच्चों आपका हमारे इस वीडियो में। आज आपकी श्वेता मैम आप ही की कक्षा 3 की हिंदी पुस्तक से पाठ 5 की कविता शीर्षक तितली, जिसके रचयिता है निरंकार देव सेवक, तो जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। कविता प्रवेश। रंग बिरंगे तितली सबको अच्छी लगती है। बच्चे तो तितलियों के पीछे दीवाने होकर दौड़ पड़ते हैं। इस कविता में कवि ने बालकों के प्रति तितली प्रेम को चित्रित किया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, फूल फूल पर कली कली पर इतराती इतलाती। अर्थात बहुत ही दूर से तितली उड़कर आई है, जिसके चंचल पंख है, चमकीले जो पंख है वो फूल फूल पर बैठती है, फिर कली कली पर बैठती है, वो इतराती भी है और इतलाती भी है। आगे, कितने सुंदर है पर इसके जगमग रंग रंगीले, लाल हरे बैगनी बसंती काले नीले पीले। अर्थात कितनी ही सुंदर उसके पंख है जो जगमग रंग रंगीले, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर के, जिसमें लाल हरे बैगनी बसंती काले पीले नीले। हम लोगों ने देखा है ना बहुत सारी तितलियों को ऐसा, जो रंग बिरंगे होते हैं। आगे, बच्चों ने जब देखी इसकी खुशियां खेर निराले, छोड़ कर कर खेले खिलौने दौड़ पड़े मतवाले। मतलब बच्चे जब अपने खेल खेल रहे थे, जैसी उस तितलियों को देखा तो अपनी खुशियों को भूलकर सब उनके पीछे दौड़ पड़े। और दौड़ने के बाद जब देखा कि तितलियां ऊंचे ऊंचे उड़ रहे हैं, तो ये भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगे। भाग रहे हैं पीछे पीछे, घबराए ललचाए, सब है आंख मचाए, इस पर सब है हाथ उठाए। अर्थात सब बच्चे इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सबका मन लालच से भर चुका है, सब आंख मचाए हैं। ठीक है, मतलब सबका आंख उन्हीं पर है कि किस तरह से हम तितलियों को पकड़ सके, पर तितलियां बहुत ही चालाक है, उनको देख के वो हाथ नहीं आती। अब पकड़ी तब पकड़ी तितली कभी पास तक आती, और कभी पर तेज हिलाकर दूर बहुत उड़ जाती। अर्थात जब पकड़ने के लिए तितली सामने आती है, उन्हें आगे पीछे देखती है, और जैसे ही वो हाथ में पकड़ आती, उससे पहले वो बहुत ही ऊपर उड़ जाती। बच्चों के भी पर होते तो साथ साथ उड़ जाते, और हवा में उड़ते उड़ते दूर देश हो जाते। अर्थात बच्चे के अगर पंख होते तो वो बच्चे भी उन तितलियों के साथ और बहुत ही ऊपर उड़ जाते, और हवा के साथ साथ ऊपर उड़ते उड़ते कितने ही देश घुमाते। दूर देश वहाँ जहाँ बहुत सी तितली परियां रहती, छोटे बच्चों से अचरज से भरी कहानी कहती। अर्थात बहुत ही दूर जब ये जाते तो वहाँ पे कितनी तितली परियां रहती, छोटे बच्चों से अजरज, मतलब उनके पास बैठकर उन्हें कितनी ही कहानियां सुनाती। ये रहा हमारा कविता, और जिसका उद्देश्य है इस कविता का बालकों को तितली के सौंदर्य से परिचित कराना, तथा तितली के प्रति उनके अत्रितम प्रेम का चित्रण करना। मतलब यहाँ पे किस तरह से उनका प्रेम को प्रभावित किया गया है, ये इस कविता में बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। भाग रहे हैं पीछे पीछे, घबराए ललचाए, सब है आंख मचाए, इस पर सब है हाथ उठाए। अर्थात सब बच्चे उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सबका मन लालच से भर चुका है, सब आंख मचाए हैं। देखो मतलब सबका आंख उन्हीं पर है कि किस तरह से हम तितलियों को पकड़ सके, पर तितलियां बहुत ही चालाक है, उनको देख के वो हाथ नहीं आती। अब पकड़ी तब पकड़ी तितली कभी पास तक आती, और कभी पर तेज हिलाकर दूर बहुत उड़ जाती। अर्थात जब पकड़ने के लिए तितली सामने आती है, उन्हें आगे पीछे देखती है,
और जैसे ही वो हाथ में पकड़ आती, उससे पहले वो बहुत ही ऊपर उड़ जाती। बच्चों के भी पर होते तो साथ साथ उड़ जाते और हवा में उड़ते उड़ते दूर देश हो जाते। अर्थात बच्चे के अगर पंख होते तो वो बच्चे भी उन तितलियों के साथ और बहुत ही ऊपर उड़ जाते और हवा के साथ साथ ऊपर उड़ते उड़ते कितने ही देश